सो गाइज, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप जल्दी से एक्सेस कर लें। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सी प्रोग्रामिंग में एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आप लोगों को कमांड लाइन कैलकुलेटर बनाना था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह आप लोग कैलकुलेटर बनाना है आप लोगों को, और मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर करके बता दिया था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और एक कमांड लाइन यूटिलिटी किस तरह बनाई जाती है। अभी जो कमांड लाइन यूटिलिटी होती है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, सारा जो है ये वीडियो नंबर 68 में डिस्कस्ड है। लेकिन अभी यहाँ पर हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और वो है कमांड लाइन कैलकुलेटर किस तरह बनाया जाता है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर ट्यूटोरियल नंबर 70 जो था मेरा, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख कर दिया था। मैंने बोला था कि यहाँ पर stdio.h सब इंक्लूड करने के बाद मैंने बोला था यहाँ पर क्रिएट अ कमांड लाइन यूटिलिटी, आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर पाएँ उस यूटिलिटी की मदद से दो नंबर को। और पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा आपका वो होगा ऑपरेशन, यानी कि आप क्या करवाना चाहते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, वो होगा। और दूसरा, बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो नंबर होंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये प्रॉब्लम जो मैंने आप लोग को दी थी वो सिर्फ दो नंबर्स के लिए दी थी, लेकिन आप एक फॉर लूप लगाकर इनको मल्टीपल नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। खैर, मैं आप लोग को अभी यहाँ पर दो नंबर्स के लिए बता रहा हूँ, और ऑपरेशन यहाँ पर सिर्फ सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर एक नई फाइल बना लें tutorial71.c और लिखना चालू करते हैं। तो tutorial71.c के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और एकदम समझाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरह मैंने क्या चीज़ करी। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करके एज इट इज़ ले आता हूँ, और आप लोगों को कोड मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप लोगों को मालूम है। मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा, string.h। जी, string.h को इंक्लूड करेंगे, क्यों, यूज़ करने वाला हूँ मैं स्ट्रिंग का फंक्शन। और यहाँ पर ये जो हमारा इंटेलिजेंस मेन मेथड देती है इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ int argc और char star argv। तो int argc और char star argv, जैसे कि आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर करना क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा char, सबसे पहले तीन, एक तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बना ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ char star ऑपरेशन, ठीक है। और एक मैंने पॉइंटर बना लिया, कैरेक्टर पॉइंटर बना लिया, और यहाँ पर एक int num1 num2, यानी कि मेरा पहला नंबर और मेरा दूसरा नंबर। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि पहले नंबर और दूसरे नंबर को लेकर आऊँगा अपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम बनने वाला है, सिंपल इफ स्टेटमेंट्स हैं और कमांड लाइन यूटिलिटी के जो फंडे बताए हैं इस वीडियो में वो यूज़ होने वाले हैं। लेकिन सॉल्व करेंगे आप तब सीख पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सॉल्यूशन वीडियो को डेप्थ में देखकर एक बार और बनाकर देख लेना प्रोग्राम को, जितना कोड लिखोगे उतना आगे जाओगे, उतने अच्छे से सी को सीख पाओगे। चलो बढ़िया, यहाँ पर नंबर नम टू बन चुका है, और मैं यहाँ पर अब यहाँ पर करूँगा क्या, नंबर नम टू बनाने के बाद मैं लिखूँगा ऑपरेशन इज इक्वल टू, और ऑपरेशन क्या होगा मेरा, argv1, क्योंकि ज़ीरो में क्या होता है, ज़ीरो में फाइल का नाम होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में सब। num1 इज इक्वल टू argv2, और उसी के साथ साथ num2 इज इक्वल टू argv3। अब आप लोग कहोगे एक मिनट रुको हैरी भाई, यहाँ पर आपने argv जो लिखा है वो तो एक स्ट्रिंग है और आपका num1 एक इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करें, इसको जो भी स्ट्रिंग आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, कुछ ऐसी स्ट्रिंग होगी, वो एक ऐसा नंबर होगा, लेकिन मुझे तो इंटीजर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको मिलवाना चाहता हूँ stdlib.h के एक फंक्शन से जिसका नाम है atoi। तो आप लोगों को करना क्या है, नंबर और num2 में वो फंक्शन इस्तेमाल कर लेना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए मैं atoi लिखूँगा कुछ इस तरह, और ये करता क्या है, एक स्ट्रिंग को लेता है और इंटीजर रिटर्न करता है। और आप लोग की जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर होनी चाहिए, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड इंटीजर होगी, तो num1 और num2 में मेरे इंटीजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर चेक करना जो है बनता है प्रोग्राम को कि यार जो बनाया है प्रोग्राम वो कहीं ऐसा तो नहीं चल ही नहीं रहा है। एक बार ही देखते हैं कि क्या ऑपरेशन में आया जो मैं चाहता था, क्या num1 में आई वो वैल्यू जो मैं चाहता था, क्या num2 में आई वो वैल्यू जो मैं चाहता था, देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑपरेशन इज, और यहाँ पर परसेंटेज एस करना होगा, यहाँ पर जो है dd सही है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ऑपरेशन, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा num1 और num2। तो यह num1 लिखूँगा और यहाँ पर num2 लिखूँगा, और num1 num2 लिखने के साथ साथ यहाँ पर भी लिख दूँगा num1, और ये सिर्फ मैं टेम्परेरीली लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को भी यहाँ पर एकदम कैपिटल करने की ज़रूरत है, सिर्फ
प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की अच्छी होनी चाहिए, कोई भी टेस्ट स्टेटमेंट्स आप डाल लें बीच में जो कि आप हटाने वाले हैं तो उसकी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। कभी कभी एज अ प्रोग्रामर हम ये चीज़ भूल जाते हैं, बट अभी मैं करूँगा क्या, इसको रन करूँगा, कंपाइल हो जाएगा मेरा ट्यूटोरियल 71.c प्रोग्राम जो है, और इसको मैं करूँगा जैसे ही रन, ये सिर्फ कंपाइल होगा, ये मुझे ट्यूटोरियल 71.exe बना कर देगा, क्योंकि मैंने अभी इसको कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कराए हैं। ये हो चुका है, और मैं यहाँ पर गलत जगह लिख रहा हूँ, मुझे टर्मिनल में क्लिक करके लिखना था, ट्यूटोरियल 71 लिख के टैब दबाऊंगा, और .exe को मैं दूंगा पहला आर्ग्यूमेंट ऐड, और ये दो इंटीजर्स दे दूंगा। तो देखो कह रहा है ऑपरेशन इज ऐड, नम वन इज़ 545, नम टू इज़ 234, परसेंटेज डी था इसलिए इंटीजर में भी आ चुका है। तो ऑल राइट, काफ़ी बढ़िया अभी तक क्लीन हमारा चल रहा है प्रोग्राम, और हमें अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन डालनी है, और यहाँ पर लिखना है इफ़ strcmp, यानी कि अगर जो ये स्ट्रिंग है, जो मेरी ऑपरेशन है वो, और मेरा जो ऐड स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, वो अगर बराबर है, यानी कि str compare क्या देगा, ज़ीरो देगा। तो ये स्ट्रिंग के फंक्शन सारे समझा रखे हैं, लेकिन अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा एक ही चीज़ को, आप लोग स्ट्रिंग के फंक्शन को ज़रूर रिवाइज करें, नोट्स मैं आशा करता हूँ सब लोग ले रहे होंगे, अगर आपने एक बार ही कोर्स देखा है तो मैं कहूँगा एक बार और देख के नोट्स ज़रूर ले लेना कोर्स के, आप चाहे स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है, वरना भूल जाओगे। जब तक आपके पास एक जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर आप सब चीज़ें लिख रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अगर मेरा जो ऑपरेशन और ऐड है वो एक ही स्ट्रिंग है, यानी कि मेरा strcmp ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट एफ कर दूँगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि command.c add 454 लिखे तो 49 आना चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लिखूँगा, num1 प्लस num2, सेव किया इसको, अब else if लगाऊँगा, तो control d लगा लूँगा यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर। और अगर आप लोग को नहीं मालूम तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड इन वन वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर आप लोग ढूंढ लें उसको, अगर आप लोग सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड इन वन वीडियो बाय कोड विद हैरी यूट्यूब पे, या फिर चैनल पे भी आप चैनल के सर्च को इस्तेमाल कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आते हैं कमेंट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन चैनल में जाकर आप लोग यहाँ सर्च बार को यूज़ करके कोई भी वीडियो जो मैं बताता हूँ कि मैंने अपलोड कर रखा है उसको आप यहाँ पर ये सर्च बार यूज़ करके सर्च कर सकते हैं। बैक टू दी हमारा क्वेश्चन जो कि हम कर रहे थे सॉल्व, एल्सिफ, और इसके बाद फाइनली मेरा एक और else if मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, अगर ऑपरेशन ऐड होता है तब num1 प्लस num2, अगर सब्ट्रैक्ट होता है तब num1 माइनस num2, और मल्टीप्लाई होता है तो स्टार लग जाएगा, यहाँ पर स्टार होता है मल्टीप्लाई, और डिवीजन के लिए तो स्लैश होता ही है हमारा, तो यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर होगा क्या, num1 और num2 का जो डिवीज़न है वो मैंने यहाँ पर करवा दिया है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, मैंने बता रखी है ऑलरेडी, लेकिन अभी हम लोग एक सिंपल सी कमांड लाइन यूटिलिटी बना रहे हैं, तो हमको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कंपाइल करूँगा प्रोग्राम को, टर्मिनल मेरा आ जाएगा, और उसी के साथ साथ इस बार क्या करूँगा कि दो नंबर दूंगा इसको, और देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने अपनी कमांड हिस्ट्री में जाकर, देखो यहाँ पर मैंने दो नंबर दिए इसको, तो इसने ऐड कर दिया, तो थोड़े बड़े नंबर दे दिए मैंने, तो मैं 5 और 8 देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ 8 और 2 देता हूँ, तो 8 और 2 अगर मैंने इसको दिया तो ये देखो 10 दे दिया इसने मुझे ऐड करके। अब ये जो स्टेटमेंट्स थे मैंने ऐसे ही लगाए थे टेस्टिंग करने के लिए, तो मैं कंपाइल करूँगा वापस से प्रोग्राम को, और जो मैंने यहाँ पर कमांड चलाया था वो कमांड मैं फिर से चलाऊँगा, और इस बार मैं ऐड ना देते हुए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट दूंगा, और यहाँ पर देखो 6 आ गया, 8 - 2 6 होता है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं डिवाइड दे देता हूँ, क्या आना चाहिए, डिवाइड दूंगा तो 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई दूंगा तो 16 आना चाहिए, वो भी देख लेते हैं, नहीं तो बच जाएगा सिर्फ एक, मल्टीप्लाई दिया तो 16 आ गया। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर देखा, हमने अपनी कमांड लाइन यूटिलिटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली बना ली है, और हमने एक नए फंक्शन के बारे में देखा जिसका नाम है ATOI, जो कि एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। आशा करता हूँ एकदम ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और उसी के साथ साथ आप लोग समझ गए होंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स किस तरह काम करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी के अभी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को खोल के बुकमार्क कर लें, और बुकमार्क करके क्या होगा कि आप लोग के पास पूरा कोर्स आ जाएगा, और आप पूरा कोर्स एक्सेस कर पाएंगे सोर्स कोड के साथ। सारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड अवेलेबल है, इसलिए मैं कहता हूँ सोर्स कोड आप लोग ले लिया करें, कॉपी करके चला लिया करें अपने कंप्यूटर में, उससे होगा क्या कि एकदम आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पर, मैं उसको खोल लूँगा यहाँ पर, और जितने भी लोगों ने सॉल्व किया होगा उसको मैं यहाँ पर उनको जल्दी से शाउट आउट दे दूँगा,
तो यहाँ पर दो बार मेरी आवाज़ आके ओवरलैप हो रही है। एनीवेज तो यहाँ पर मैं सॉर्ट करता हूँ न्यूएस्ट फर्स्ट के हिसाब से, और न्यूएस्ट फर्स्ट के हिसाब से सॉर्ट करके मैं यहाँ पर आप सबको एक एक शाउट आउट दूंगा जितने भी लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो आदर्श सहानी, यशपाल सिंह, सुशील कुमार, सुमित शर्मा, हिमांशु कुमार, दीपक मेहता, शशि कुमार, रहमत अली खान, रोहन दास, आलई पटेल, आई होप मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया, सोनू राज, टेक्निकल पीए, अपना नाम बताना यार, और सॉन्ग स्टूडियोज़ आप भी अपना नाम ज़रूर बताइए, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप भी अपना नाम बताइए, अरबाज़ मुल्ला, अभी गेमिंग, हनी अरोड़ा, अभिनव राज, ब्रिजेश कुशवाहा, सत्यजीत रॉय, सौम्या चक्रवर्ती, रूप किशोर वर्मा, रंजीत चौधरी, सॉन्ग स्टूडियोज़। तो यहाँ पर आप लोग मुझे अपना नाम ज़रूर बता दिया करें अगर आपका नाम किसी और चैनल के नाम से है, आपके चैनल का नाम। और मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर सिर्फ क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व करें, अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस क्वेश्चंस को स्किप करके इस कोर्स को देखा है तो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोग करेंगे सॉल्व उतना आप लोग का इम्प्रूवमेंट होगा, उतनी आप लोग की लॉजिक बिल्डिंग बढ़ेगी, उतनी अच्छी होगी लॉजिक बिल्डिंग। हमने यहाँ पर जो अपनी लॉजिक बिल्डिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देगा, जिसमें मैंने आप लोग को ऑटोमेटिक रिसीट जनरेटर का एक प्रोग्राम दिया, उसी के साथ साथ पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर हमने काफ़ी एक्सरसाइजेस ली हैं, सॉल्व करी हैं, मैं आशा करता हूँ एकदम सबको क्लियर हो गया होगा सब कुछ अब तक, और मैंने इन डेप्थ आप लोग को यहाँ पर एक एक चीज़ सिखाने की कोशिश करी है। जो प्रयास है मेरा कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता दिया करें आप लोग, उससे होता क्या है कि मुझे आप लोग का फीडबैक मिलता है और मैं उस हिसाब से जो आने वाले कोर्सेज लाने वाला हूँ उनको इम्प्रूव करूँगा। तो गाइज सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस सीरीज़ को मैं चाहूँगा कि एट दिस पॉइंट आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और उन तक ये सीरीज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, ये लिंक आप कॉपी करके और फेसबुक वगैरह जहाँ भी व्हाट्सएप में जहाँ जहाँ आपके स्कूल के, कॉलेज के या फिर वर्क के फ्रेंड्स हैं उनको आप लोग कॉपी करके पेस्ट करके उनके साथ शेयर करें, उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।